जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक रीगल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी जी आदिवासियों से नफरत करते हैं, यही वजह है कि राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराया, क्योंकि वह आदिवासी थी। पूरे देश के एकमात्र आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन थे, इसलिए उन्हें साजिश के तहत जेल भिजवा दिया। मुझे भी जेल भिजवाया, मगर बजरंग बली की कृपा से मैं जेल से बाहर हूँ और तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक दिल्ली की सत्ता पर इंडिया काबिज नहीं हो जाती। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों का आह्वान करते हुए इस लोकसभा चुनाव में बदला लेने और 14 की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेरे बड़े भाई समान हैं। वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को काफी मदद की थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तुलना झांसी की रानी से करते हुए कहा कि अपने पति के बिना जिस तरह से उन्होंने चुनावी कमान संभाली है वह काबिले तारीफ है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को अहंकारी बताया और कहा कि अपनी तुलना भगवान जगन्नाथ से कर रहे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को भी उन्होंने जुमला बताया और कहा, इसकी आड़ में संविधान बदलने की साजिश रस्सी जा रही है। उन्होंने भाजपा को गुंडागर्दी की पार्टी करार दिया। मोदी से लड़ने के लिए मैदान में है ऐसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल भी, मंच पर आते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना और जमशेदपुर से हमारा बहुत पुराना नाता है, केजरीवाल जी का भी बहुत पुराना नाता है, अभी वो आएंगे बताएंगे। मैं एक केवघर में पढ़ाई करता था, केवघर में मूरी एक्सप्रेस से एक जमशेदपुर स्टेशन में उतरता था, बस से केवघर जाता था चाईबासा मंदिर होते हुए। यहाँ पे उड़ीसा के भी लोग है, हमने ओडिया लोग को अशांति थी, उड़ीसा लोग को अशांति की नमस्कार दोहा। और फिर से एक बार आप सबसे अपील है, विनती है, प्रार्थना है, समीर मोहंती जी को तीर कमान पर अपने बटन दबा के भारी से भारी मतों से जिताइए और इन पार्टी चोरों को हराइए, क्योंकि मैंने सुना था सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, नरेंद्र मोदी तो पार्टी चोर है, पार्टी चोर। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा दी, शरद पवार की घड़ी चुरा दी, झारखंड में आपकी तीर कमान चुराने आए थे, आपने तीर कमान लेके भाजपाइयों को दौड़ा लिया, इस बार भी दौड़ा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जमशेदपुर में लगातार मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन हर तरह के प्रयासों में जुटी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर स्विप कोषांग के तत्वाधान में शहर के प्रमुख जुबली पार्क के समीप गोल चक्कर पर विशाल हाइड्रोजन बैलून लगाया दौरान जिले के उप विकास आयुक्त समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथों में वोट अपील की तख्तियां लेकर सभी से वोट की अपील की। वहीं सभी ने मिलकर विशाल हाइड्रोजन बैलून को गोल चक्कर पर स्थापित किया। इस बैलून में 25 मई को वोट देने की अपील की गई है, जो काफी दूर से ही सभी को नजर आएगी। निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार स्वीप कोषांग निरंतर प्रयासरत है कि हम लोग वोटर्स के बीच में जागरूकता फैला सके। इसी क्रम में आज जो हमारा गोलंबर है उपायुक्त कार्यालय के बगल वाला, उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन युक्त जो एक बैलून है उसको यहाँ पर स्थापित किया है।
इसमें वोट करेगा जमशेदपुर 25 मई 2024 लिखा हुआ है, और इसके माध्यम से तथा हम लोगों ने जो भी यहाँ पे कोडिंग्स इत्यादि लगाए हैं, पूरी टीम का आपसे यही आग्रह है कि 25 तारीख को आप जरूर निकले 25 लोगों के साथ वोट देकर आएँ, और हम सब आपसे यही आग्रह करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अच्छा मौका है, अपने जमशेदपुर का वोटिंग परसेंटेज हम लोग को मैक्सिमम रखना है। अर्बन एपैथी एक मेजर चैलेंज रहा है, तो सभी अर्बन वोटर से रूरल वोटर सबसे आग्रह है कि इस पावन पर्व पर जो देश का पर्व है उसमें जरूर निकले अपने पूरे परिवार के साथ, हैशटैग फैमिली वोटिंग के साथ भी सोशल मीडिया पर डालें, यही हमारी आप सबसे अपील है। थैंक यू सर। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, विभिन्न दलों के लोग चुनावी वादों में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं पीएम तो कहीं सीएम सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बोढ़ाम प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के कोयरा गांव में पेयजल को एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दलमा के तराई में बसी करीब एक दर्जन आदिवासी परिवार के लोग पहाड़ी के किनारे से बहने वाले नहर के पानी से प्यास बुझा रहे हैं। इस टोला में जलमीनार काफी लंबे समय से खराब होने के कारण ग्रामीण महिलाएं सुबह और शाम को डेगची बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर पानी भरने नहर पर पहुंच जाती हैं। नहर से भरकर घर लौट रही महिला प्रिया सिंह ने बताया कि हमारे टोला में करीब दर्जन भर परिवार के लोग इसी नहर से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। टोला में बना जल मीनार काफी दिनों से खराब पड़ा है। कोई भी नेता, मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। हमारे गांव में देश भर में चल रहे लोकसभा जैसे महापर्व को लेकर भी कोई उत्साह नहीं देखा जा रहा है। की नाम बड़े झरना टर एधर नलकूप कत दिन है खराब अच्छे एक साल लग गया एधर मुखिया बाकी जे नेता रहे छे और कोनो दिन माने खबर लेते नहीं है इटर इखंडा के तो खबर लेते नहीं हमरा आस्ते देखिनी यदि हमरा थाकिले उस समय आसे देखिए जाए तो ता जान छी नहीं ब्लॉक करके ब्लॉकर एक जन आसे छिलो तार पर ओरा देखिए गेलन तार पर अब तो कोनो नहीं खबर माने कत गेलो परिवार था छे जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर मानवता का मिसाल पेश किया गया, जहां स्कूल के शिक्षकों के आग्रह पर 100 स्कूली छात्रों को निशुल्क जूते उन्होंने प्रदान किया। साकची स्थित गुरु नानक स्कूल के ये तमाम छात्र हैं। बता दें, शहर के दूर दराज इलाकों से यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने पहुँचते हैं और यहाँ अधिकतर छात्र कमजोर वर्ग से आते हैं। तकरीन स्कूल में ऐसे 100 ऐसे छात्र हैं जिनके पास इस भीषण गर्मी में पहनने को जूते तक नहीं है। ऐसे में स्कूल की शिक्षिकाओं ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन से मदद की अपील की थी, जिस पर फाउंडेशन ने त्वरित रूप में अमल करते हुए श्रीलेदर्स के मदद से इन तमाम छात्रों को निःशुल्क जूते उपलब्ध कराया। जूते पाकर इन कमजोर वर्ग के छात्रों के चेहरे खिल उठे, मानो उन्हें कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसए परिवार पहुंचा साक्ची के गुरुद्वारा प्रांगण में गुरु नानक स्कूल के, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही यहां के प्राचार्य एवं कई शिक्षिका के द्वारा पीएसएफ के पास एक पहल किया गया था कि इस भीषण तपती गर्मी में यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र छात्राओं के बीच उनके पैरों के जूतों के लिए, ताकि पैरों में छाला ना पड़े, गर्मी में राहत मिले, क्योंकि एक ममतामयी माँ का ये सोच होता है हमेशा, एक शिक्षिका कहीं ना कहीं एक माँ का रूप लेती है, तो उसी पहल को त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएसएफ ने इसका निवेदन किया साक्षी श्रीलेदर्स परिवार के आदरणीय दोलन डे जी के पास, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ममतामयी माँ का रूप लेकर, क्योंकि जिस तरह से बच्चे बच्चियों के प्रति उनका अपार प्रेम है, उन्होंने थोड़ा भी विलंब ना करते हुए पीएसएफ के इस आग्रह को आज लगभग 100 जोड़े जूते स्कूल के प्राचार्य के हाथों एवं कई शिक्षिकाओं के मौजूदगी में आज इन बच्चों के हाथों सुपुर्द किया गया। सही में जहां हमको गर्व हो रहा है, कहीं ना कहीं इन बच्चों में भी आज एक अलग खुशी होगा, क्योंकि एक ब्रांड इनके पास आया है कि श्रीलेदर्स
शहर से लेकर गांव तक एक अलग पहचान बना चुका है अपने विश्वस्तरीय जो गुणवत्ता के चलते। और सही में आगे निरंतर इस स्कूल के प्रति यहां आने के बाद बहुत सारे चीज इन बच्चों के बारे में भी पता चला, काफी प्रतिभावान बच्चे हैं।